अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये एक छोटी सी वीडियो है कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या टीआरसी वालों को तुर्की में काम मिल जाता है या नहीं मिलता। उस वीडियो में मैं बताना भूल गया, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ आ ही गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी इस वीडियो में मैं आपको, एक दो और बंदे ने मुझसे पूछा है तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। जो बंदे विजिट वीज़ा लेकर आते हैं ना पाकिस्तान से तुर्की में, यानी कि जिनका विजिट वीज़ा 7 दिन का होता है या फिर 15 दिन का होता है या 1 महीने का या 3 महीने का, अब वो लोग ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुर्की में जो है विजिट वीज़े वाला को काम मिल जाता है। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है, लेकिन उसमें मैं ये कहना भूल गया, इस वजह से ये मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका विजिट वीज़ा 7 दिन का है या 15 दिन का या 1 महीने का या 3 महीने का, जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं ना होते कि वो विजिट वीज़े पर आ तो जाते हैं, यानी कि अब वो टीआरसी अप्लाई करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है, इस वजह से वो गरीब क्या करते हैं, वो टीआरसी नहीं लेते। और वो मुझसे पूछ रहे हैं जी, अगर हम विजिट वीज़ा लेकर तुर्की में आ जाते हैं तो क्या हमें काम मिल जाएगा तुर्की में? तो उनके लिए है स्पेशल। जी हाँ बिल्कुल, आपको तुर्की में काम मिल जाएगा, बेशक आपका 7 दिन का विजिट वीज़ा है। अब वो 7 दिन का विजिट वीज़ा लेकर आ तो जाएंगे, लेकिन उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आप विजिट वीज़ा लेकर आ जाते हो, काम पर लग जाते हो, तो यार थोड़े से पैसे और लगा लो, आप टीआरसी अप्लाई कर लो। टीआरसी लेने के बाद आप जो है, यानी कि आप विजिट वीज़े पर भी होगा ना, तो फिर भी आपको तुर्की में काम मिल जाएगा। 15 दिन का विजिट वीज़ा या फिर आपको 7 दिन का विजिट वीज़ा, आप, मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर विजिट वीज़े पर आ जाते हो, टीआरसी नहीं अप्लाई करते, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप टीआरसी लाजमी लें, फिर ये है कि आपके जो है 1 साल के लिए इजीली लीगल होकर आप रहोगे। अगर आप विजिट वीज़े पर आ जाते हो, काम लग जाते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप टीआरसी अप्लाई कर सको, तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर विजिट वीज़े पर आ जाते हो, आ सकते हो, तो फिर थोड़े से पैसे और लगा लो और टीआरसी ले लो, ताकि आपका विजिट वीज़ा जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है लीगल होकर रह सको टीआरसी पर। और अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप काम पर तो लग ही गए हो, लेकिन फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको विजिट वीज़े पर यहाँ पर आने का? तो फिर तो आप इलीगली कहलाए ना। तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि यार विजिट वीज़े पर अगर आ गए हो तो टीआरसी लाजमी अप्लाई कर लेना, काम आपको मिल जाएगा, मसला नहीं है इधर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक करो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।